जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और मैं भी स्वस्थ और ठीक हूँ। आप लोगों के कुशल चाहती हूँ। और आज की वीडियो में आपको आपके सामने 12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको अपने किचन के बारे में, अपने घर के बारे में, थोड़ा सा अपने काम के बारे में कहूँ। तो जो है, मैंने अभी पपीता काटा, नाश्ता हमारा हो गया, बच्चे गए हैं स्कूल। तो दादी को नाश्ता करने के बाद पापा इसके, इन लोगों को ना थोड़ा, दादी को डायबिटीज है। पपीते से ना काफ़ी शुगर और इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। मेरे हिसाब से तो पपीता बहुत बेस्ट रहता है अगर किसी को पाचन क्रिया हर चीज़ में जो है हमारे पपीता फायदेमंद होता है। पपीता काफ़ी ना मेरे हस्बैंड बड़ा लागे थे, देख सकते हैं आप, पपीता काफ़ी बड़ा लागे थे। तो मैंने ना आधा पपीता जो है बचा दिया है, आधा पपीता मैंने बचा दिया है, क्योंकि ऐसा ही हुआ लेडीजों का लालच आ जाता है कि आज थोड़ा बच्चे हैं, कल को खा लेंगे। और आधा मैंने काट दिया है, काट के मैंने इसके पीसेस बना रखे हैं, देख सकते हैं आप, इतने सारे पीस बना रखे हैं। तो थोड़ा थोड़ा ना पपीता सब लेंगे। आजकल ना मैं रोज़ खाने के बाद नाश्ते में पपीता दे रही हूँ। मैंने कई बार यूट्यूब में भी देखा और कई लोग कहते भी हैं कि पपीते से शुगर भी लेवल हो जाती है और प्लेटलेट्स तो बढ़ती हैं, हर तरह के फायदे होते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट औरत हैं उनको नहीं खाना चाहिए पपीता, कुछ रीजन होता होगा। उसकी दादी भी कहती थी शुरू से, हमने भी कभी, जब ये बेबी होने वाले थे हमारे, तो हमने भी कभी पपीता नहीं खाया। तो कल मैंने एक पपीता लिया तो उसने मुझे ठग दिया, छोटा सा पपीता उसने मुझे 60 रुपये का दिया, और आज उसके पापा इतना बड़ा पपीता 70 रुपये का लाए हैं। मैंने तभी तो आधा बचा दिया, उनको नहीं बताया है। मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में और बच्चों को कल दूँगी। और अभी मैंने खाने पे सुबह बनाई थी, मैंने आलू बनाए थे, थोड़े से बचे हैं और नाश्ते में। और अभी मैंने दाल चढ़ा दी है। दिन का खाना 12 बज गया, थोड़ा दिन भी लंबे हो गए हैं। वैसे भी ना हम लोग दिन में भी खाते हैं, और चावल के बिना हमें बिल्कुल मन नहीं करता रोटी खाने का। दिन में थोड़ा सा चावल खाते हैं। और मैं दादी को पपीता देने जाऊंगी। मैंने नहा धो के अपना सारा काम निपटा के सब काम हो गया है, अब दिन का खाने की तैयारी है। यार लेडीजों का तो ऐसा ही हुआ, कभी नाश्ता बनाओ, कभी दिन का बनाओ, कभी शाम का बनाओ। तो थोड़ा सा फ्री हुई, मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ, आप तक शेयर करूँ। और ये है मेरा पपीता, मैं काट रही हूँ थोड़ा सा, और पपीता भी मैं काटती हूँ। पपीता काटने का भी अलग अलग स्टाइल होता है। तो ये जो पपीते के हमारे बीज है ना, ये जो पपीते के हमारे बीज हैं, ये मैं काम आ जाता है पपीते में, कहीं बो लूँगी तो हमारे ना पेड़ खेत पीछे खेत में जगह है तो वहाँ डाल दूँगी मैं पपीते को। तो इतना बड़ा पपीता था मेरा ये, मैंने काट के इधर दाल में सीटी भी आने लगी हैं, दिन के खाने की भी तैयारी हो रही है और इधर वीडियो भी बन जा रही है। लोग कहते हैं यार ये वीडियो बनाने में रहते हैं, हम अपना सारा काम निपटाते हैं और सबको खुश रखते हैं, और घर वालों की परमिशन लेनी पड़ती है तो वीडियो बनाने के लिए। बाहर वाले कहते हैं यार ये तो मोबाइल में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है, हम अपना सारा काम निपटाते हैं, कपड़े भी धोए, पूजा पाठ भी करी, बच्चे स्कूल वाले भी हैं, खाना पीना सब काम करने के बाद सबका ध्यान रखते हैं। तो अपना थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो वीडियो बना लेते हैं। तो पपीते काट के मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं इसको दादी को देने जाऊँगी एक कटोरी में, प्लेट में। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।